सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार हाइफा स्टडी पर। मैं ललित कुमार, आज मैथ की सेकंड क्लास जो कि हमारी सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मासा यानी कि महत्तम क्षमा पर्तों को डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में हम लोग लासा को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा, क्या कि कल मैंने जो आपको क्या था 22 या 23 कुछ था जिसका मल्टीप्लाई करके मैंने वहाँ पर 72 लिख दिया था, तो वहाँ पर 72 ना होकर वहाँ पर 82 होता, वहाँ पर 82 होता, मैंने 72 वहाँ पर लिख दिया था। तो मेरा आंसर कितना आया था, मेरा आंसर एक आया था, उस प्रकार भी आंसर एक आता, लेकिन बस मैंने गलती क्या किया था, यहाँ पर 82 के स्थान पर मैंने 72 लिख दिया था, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है मेरा लासा, जो कि मेरा लासा जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम क्षमाप वर्त, लघुत्तम क्षमाप वर्त जिसको कहते हैं। परिभाषा आपको पता ही होगा, परिभाषा मैंने कल आपको बताया भी था, आज पढ़ना क्या है मेरे को एलसीएम यानी कि लासा, लघुत्तम क्षमाप वर्त। क्लियर इतना। अब लासा हमारा होता क्या है, लासा होता क्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो मेरी लासा कहलाती है। क्या मैंने बोला, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है हमारी लासा कहलाती है। अब लासा निकालने की कितनी विधियां होती हैं, जी जितनी विधियां मासा में थी ना उतनी ही विधियां लासा में भी होती हैं। कैसे, देखो कुछ ऐसे होती हैं, मासा में मैंने बताया था कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, तो वही विधियाँ यहाँ पर भी होती हैं। पहली विधि जो आपकी होती है वो होती है गुणनखंड विधि, पहली विधि होती है गुणनखंड और दूसरी मेरी होती है भाग विधि, दूसरी होती है भाग विधि, ये हो गई मेरी। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए जैसे मैंने कहा 15, अब 15 के गुणनखंड करना, तो गुणनखंड वे होते हैं किसी संख्या को, गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ी गई हो, नहीं समझे ना। देखिए यहाँ के 15, अब 15 को मैं अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ूंगा तो 3 और 25 हो गया 15, भाई 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 18, इसको तोड़ूंगा तो 2 3 6 और 3 18 ये मेरा बन गया। तो जो ये विधियाँ होती हैं तुम्हारी, इस विधि को हम लोग कहते हैं अपनी गुणनखंड विधि। क्लियर है इतना। और जैसे हम यहाँ पर कहते हैं 15, तो 15 को काटते 3 और 25 15, 5 1 5, इस विधि, इस तरह जो सवाल लगाते हैं इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो, बोलो क्लियर है ना। ठीक, आज चलिए कुछ भी नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एकदम से नए अंदाज में। ओके चलिए, इतना क्लियर हो गया ना, लासा किसे कहते हैं, लासा निकालने की कितनी विधियां होती हैं और लासा मासा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये लासा के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस विधि के मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद मैं सीधा अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ओके ना, चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा 36 24 और 20, पहला है मेरा 36 24 और 20, ये मेरा मासा में भी था, ये मासा में भी था पहला नंबर क्वेश्चन, और ये लासा में भी है आपके पहला नंबर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो अपने तुम्हारे बुक के ही बता रहा हूँ, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी। ठीक, चलिए इसको जैसे सॉल्व किए तो वैसे, अभी मैं इसको मासा बताता तो आप क्या करते, 36 को अलग लिखते, 24 को अलग लिखते, 20 को अलग लिखते, लिखते ना जो कि कल किया था। लेकिन बच्चा यहाँ पर इसमें ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये मेरा लासा निकालना है, मेरे को लासा निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा। कल क्या करूँगा, मैं तीनों संख्याओं को एक में लिखूंगा, कैसे, ऐसे 36 24 एंड 20 ऐसे लिख लूंगा, फिर मैं खींचूंगा लाइन जैसा कि हमको पता है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, सम संख्याएं हैं 2 से कट जाएंगी, काट लेंगे, 2 1 2 2 2 8 16, 2 1 2 2 2 4, इतना समझ में आया, ये तो कल भी कर चुके हो, अब ये मेरे को केवल काटना है, आप भी साथ में काटिए, 2 1 2 2 0 0, फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10, अब इसको क्या करेंगे 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 5 कटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 2 से काहे से भी काट सकते हैं, 3 कटेगा नहीं, 2 1 2 2 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 1 कटा, 5 नहीं कटेगा, तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 5 को 5 से काट देंगे, 5 को 5 से काट दिया, अब क्या करें, अरे कुछ न करो, मैंने बताया था तब तक काटते हैं जब तक नीचे कितना आना चाहिए 1,
जब एक आ जाएगा तब फुल स्टॉप वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक, अब हमारा बच्चा क्या, हमने देखा हमारे यहाँ पर बच्चे दो, बच्चा दो, तीन, दो, तीन, पाँच, ये मेरा बचकर आया यहाँ पर, छुप कर ये आए यहाँ पर, तो इनको क्या करेंगे, इनको सब लोगों को गुणा करा लेंगे। कैसे, मेरा बच्चा दो गुणे दो गुणे तीन गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इतना बचा कि नहीं बचा। अब इन सबको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई और अपना आंसर पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा दो दुनिया चार, चार तीन बारह, बारह दुनिया चौबीस, चौबीस तीन बहत्तर, और बहत्तर पंचे कितना होता है भैया, फिर से करते एक बार, फिर से समझाते ना आपको, दो दुनी चार, चार तीन बारह, बारह दुनिया चौबीस, और चौबीस दुनिया चौबीस तीन कितना होता है, अब चौबीस तीन हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, नहीं फिर से कहोगे कि सर गलत हो गया, चार तीन बारह का दो हासिल है एक, तीन दुनी छः एक सात कितना हो गया बहत्तर, अब बहत्तर अगर मल्टीप्लाई पाँच से करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं, पाँच जुड़ी हम जीरो, पाँच सत्तर पैंतीस, पैंतीस से छत्तीस कितना आंसर आ गया, 360, कितना आंसर आ गया 360, जो मेरा राइट आंसर आया वो हो गया 360, यही हो जाएगा मेरा एलसीएम। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, प्रॉब्लम है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए, थोड़ा जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, किस टाइप से हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेनी है, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल का बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 28 35 105, 20 28 35 और 105, इसको हमको लास्ट तक याद करना है। तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक में लिख लेंगे, एक में अलग अलग नहीं लिखेंगे, 20 को अलग लिखेंगे, 28 को अलग, 35 को अलग, 105 को अलग, इसको अलग बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बताओ क्यों नहीं लिखेंगे, बताओ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कभी लास्ट तक आएगा निकालने के लिए, जब कभी निकालने के लिए लास्ट आएगा तब जितनी भी संख्याएं दी होंगी सबको एक में लिख लेंगे, तो मैं एक में लिखूंगा। देखिए ऐसे लिखूंगा, 20 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया और 105 हो गया, दिख रहा है ना 105 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर खींचेंगे अपनी एक लाइन और इसके गुणनखंड कर देंगे। कैसे, दो से काटेंगे, दो एक कम दो, जीरो उतार लिया, दो एक कम दो, दो चौके आठ, 35 नहीं कटेगा दो से, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि किसी संख्या में एकाएक अंक अगर पाँच होता है तो पाँच से ही कटती है। चलिए यहाँ पर लिख लिए, 35 भी नहीं कटेगा और 105 भी नहीं कटेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम पाँच से काटते हैं, पहले पाँच से काटेंगे, पाँच दुनी हो गया 10, 14 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, 35 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ पर हो गया 5 दुनी 10, 5 एक कम 5 कट गया। चलिए अब 7 से काटते हैं, 2 कटेगा नहीं, 2 को ऐसे लिख लेंगे, 7 दुनी 14, 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21, अब 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ एक था ही, 3 कटेगा नहीं, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन और तीन एक कम तीन, ये मेरा सॉल्व हो गया ना, यहाँ पर हो गया एक 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 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कराओ और आंसर प्राप्त करो। देखिए कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर है तुम्हारा 2 5 7 2 3, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, ऐसे 2 × 5 × 7 × 2 × 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे, 2 5 10, 10 7 70 और 70 × 140, 140 नहीं है कितना होता है, 14 3 42, 420 हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो प्रॉब्लम, 420 आएगा मेरा आंसर, बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम होगी कैसे, पूरा तो तुम लोग जान गए हो, कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया, तो प्रॉब्लम तो होने होती नहीं है, प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आपको हो, लेकिन हमको दिक्कत नहीं लेनी, सब कुछ एकदम जड़ से एंड करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट, देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है, आप बिल्कुल भी, आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब हम जो सवाल लगाएंगे उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। चलिए
तीन नंबर सवाल दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा लड़कों को लगाने में दिक्कत होती है। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। अब मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, क्या मैंने बताया था जब छोटी से छोटी कहेगा किसी क्वेश्चन में तब क्या निकालना है, अगर छोटी से छोटी कहेगा तब वहाँ हमको लास्ता निकालना पड़ता, और मैंने देखा यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि निकालेंगे हम एलसीएम ही, कहने का मतलब हम निकालेंगे लास्ता ही, क्लियर ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि तीन शेष बचे। अब तीन शेष कब बचेगा, देखो कैसे बचेगा, पहले इन संख्याओं को हमको निकालना है लास्ता, जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया है 15, 18 और 48, इनका लास्ता निकालने के लिए तीनों को एक में लिख लिया। अब इसके करेंगे गुणनखंड, मैं क्या करूँगा इसको 5 से काट के देखता हूँ, 3 से काट लेंगे, 3×5=15, 3×6=18, 3×1=3 और 3×6=18। अब 5 को सीधा पहले काट दें, 6 बचेगा कटेगा नहीं, 16 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको 2 से काट सकते हैं, 2×6=16, फिर इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 कटेगा नहीं, 2×4=8, फिर 3 को 3 से काट देंगे, 3×1=3, 4 बच गया, 4 को 4, 2 से 2 बार काटो चाहे 4 से 1 बार काटो, हम चलो 4 से 1 बार काटते रहे, इतना क्लियर। मेरा बच्चा कितना आया, कितना 3, 5, 2, 2, 3, 4, इसको हम लोग गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब इधर गुणे के रूप में लिखेंगे तो 3×5×2×2×2×2, फिर आ गया 3 और 4, इतने में बच्चा कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो इसका गुणा करो, 3×5=15, 15×2=30, 30×2=60 और 60×3=180, 180×4=700 कितना हो गया 20, 720। अब बताओ आपका आंसर 720 आया, आप तो कहोगे 720 आ गया, जी बिल्कुल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बताया गया प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए 3, और 3 बचेगा कब, 3 कब बचेगा, अभी यहाँ तो भैया एक एक आ गया, ये तो लासा हो गया, और लासा पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, कब बचेगा, जब इसको 3 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा जो संख्या प्राप्त होगी तब मेरा बचेगा, मैं 720 में 3 को ऐड करूंगा और यहाँ पर बच जाएगा 723, यही हो जाएगा मेरा उत्तर, 723 हो जाएगा मेरा उत्तर, समझ में आया। चलिए आंसर क्लियर करते हैं, अपना, हमारा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, जी बिल्कुल हमारा आंसर 723 आ रहा है, बिल्कुल हमारा आंसर 723 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते क्या कह रहा है, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग इसको। चलिए ये क्लियर हो गया ना, ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चे लोग जो हैं फंसते हैं, लेकिन अब आपको नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर आता है। चलिए अब ये एक व्यापारी कानपुर आ गया चौथे दिन, दूसरा व्यापारी हर दसवें दिन आता है
आता है। यदि वे दोनों, यदि वे दोनों 3 जनवरी, वे दोनों 3 जनवरी, 3 जनवरी को एक साथ आए, को एक साथ आए, तो फिर एक साथ कब आएंगे, तो अगली तिथि कब होगी, तो अगली तिथि क्या होगी, तो अगली तिथि क्या होगी। देखिए कहा गया कि एक व्यापारी चौथे दिन कानपुर आता है और दूसरा व्यापारी 10वें दिन कानपुर आता है। अगर दोनों व्यापारी 3 जनवरी को यहाँ पर 3 जनवरी को एक साथ आएं, तो अगली तिथि क्या होगी कि वो एक साथ फिर से आएंगे, अगली तिथि क्या होगी कि वो एक साथ फिर से आएंगे। चलिए मैंने माना मेरा एक आदमी है एक्स और दूसरा आदमी है वाई, ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो कितने दिन पे आ रहा है, चौथे दिन आ रहा है, और अगला कितने दिन आ रहा है, 10वें दिन आ रहा है। इतना क्लियर भाई, मैंने माना एक आदमी था एक्स, दूसरा आदमी हुआ वाई, तो एक चौथे दिन आ रहा, दूसरा 10वें दिन आ रहा। अब इन दोनों को साथ में लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लाने के लिए निकालेंगे लासा। एक्स मान लिया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मान लिया वाई, यहाँ पर 4 एक दिन में आता है, दूसरा 10 दिन पर आता है, दोनों को 4 और 10 को मैंने लासा निकाल लिया, तो कितना आ गया, 5, 2 और 2। अब इसका मैं यहाँ पर गुणनखंड लिखूंगा, 5 × 2 × 2, इसका गुणा करूंगा, 5 × 10, 10 × 2 कितना हो गया, 20, ये हो गया 20। देखिए अब 3 तारीख को साथ में आए थे भैया जी, 3 तारीख को साथ में आए थे, 3 तारीख को साथ में आए थे, उसके बाद 20 दिन बाद साथ में आएंगे, 20 दिन बाद साथ में आएंगे, 3 तारीख को साथ में आए थे, लेकिन अब जो आएंगे वे एक साथ 20 दिन बाद आएंगे, तो 20 ये और 3 ये मिला के क्या हो गया, 20 + 30 = 23, और 23 क्या, जनवरी, यही हो गया मेरा आंसर, 23 जनवरी हो जाएगा मेरा आंसर। बताओ समझ में आया, समझ में आया नहीं आया ना, चलिए एक बार रिपीट करते हैं। कोई व्यक्ति था वह चौथे दिन कानपुर आता था और दूसरा व्यक्ति था 10वें दिन कानपुर आता था, दोनों एक साथ 3 जनवरी को कानपुर आए, तो अगली तिथि क्या होगी कि दोनों एक साथ कानपुर आएंगे। तो मैंने माना एक व्यक्ति थे एक्स और एक व्यक्ति थे वाई, एक्स वाले 4 दिन आते थे बारह कानपुर और वाई वाले 10 दिन, तो 4 10 का लासा निकाला, आ गया 20। अब 20 दिन तो हो गए कि अगली तिथि जो होगी वो 20 दिन बाद होगी, लेकिन एक्चुअल में आए किस तिथि को थे, तो एक्चुअल में वो 3 तारीख को आए थे, 3 ये और 20 तारीख ये, 20 दिन मिला के क्या हो गए, 23 जनवरी मेरा आंसर। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस एकदम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। नोट हो गया ना, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। देखिए दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट में बता देना, इसके ऊपर वीडियो भी एक और बन जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ना एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 216, 512 और 540 के अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बताओ। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वही हम लोग नंबर से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने 4 नंबर सॉल्व किया था, अब ये मेरा 5 नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। जो क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते सॉल्व करते। कहा गया 216, 512 और 240 का 540 का माशा गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, माशा ज्ञात करना। गुणनखंड विधि मैंने बताया था, ऐसा लाइन खींच के ऐसे निकालते हैं ना, और प्रत्येक संख्या का अलग अलग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये माशा है लासा नहीं है, याद रखना। तो मैं लिखूंगा 216 अलग, 512 लिखूंगा अलग और 540 लिख लूंगा अलग। लाइन खींच लूंगा मैं यहाँ पर लाइन खींच लूंगा, फिर यहाँ पर लाइन खींच लूंगा, क्लियर है ना इतना। अब मैं इसको काटते हुए चले आऊँगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अरे रुको 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 रुको, हाँ मैंने आपको तो बताया ही नहीं कैसे काट दिया, तो समझो जरा, यहाँ पर हो गया 2,
यहाँ पर मैंने काट दिया, दो पंचे दस, दो एक कम दो 108, तीन दो 216 हो गया, दो पंचे दस, दो चौके आठ, फिर दो दुनी चार, एक बचा 14, दो सती 14, अब 27 आया, तो अब क्या करेंगे, 27 सम नहीं है, तीन से कटेगा, तो तीन त्रिक्का नौ, तीन त्रिक्का नौ और तीन एक कम तीन, तीन नौ 27, तीन त्रिक्का नौ, तीन एक कम तीन, कट गया ना। कब तक काटते हैं, जब तक नीचे एक नहीं आता, आ गया काम खत्म। चलिए इसको भी काटते हैं, सम दो से कट जाएगा, दो दुनी चार, एक बज गया 11 हो गया, दो पंची 10, एक बज गया 12 हो गया, दो छंग 12, फिर सम आ गया, दो से काट देंगे, दो एक कम दो, दो दुनी चार, दो अठी 16, फिर से दो छंग 12, दो चौके 8, समझ में आ रहा ना, दो तिया 6, दो दुनी 4, दो एक कम दो, दो छंग 12, दो अठी 16, ये तो सम है पूरी, दो से कट जाएगी, दो चौके 8, दो दुनी 4 और फिर दो एक कम दो, इतना समझ में आया। बिल्कुल भाई, ये तो गुणनखंड करना आप लोग सीख चुके हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, दो दुनी चार, एक बच्चा 14 हो गया, दो सती 14 जीरो, फिर से काटेंगे, दो एक कम दो, दो तीन 6, दो पंची 10, अब 135 दो से काटेंगे, 135 दो से काटेंगे, अरे क्यों काटेंगे, इसमें तो इकाई 5 है, तो 5 से काटेंगे ना सीधा, 5 दुना 10 और 5 सते कितना हो जाएगा, 3 बच्चा 35, तो 5 सते 35, फिर से 3 से काट देंगे, 3 नौ 27, तीन त्रिक्का नौ, तीन एक कम तीन, इतना समझ में आया। अब क्या इन सबको गुणा कराएं लिखकर, इन सबको गुणा कराएं लिखकर, हाँ सही दिमाग में आइडिया आया, क्यों कराएं, मैं इसका गुणा क्यों कराऊं, यहाँ पर जो जोड़े बनेंगे मैं उसी का तो ही गुणा कराऊंगा, मैं इसी जो जोड़े बनेंगे उसी का तो गुणा कराऊंगा, तो मैं जोड़े देख तो खोजूंगा तीनों में क्या बन रहा। देखिए यहाँ पर दो से चलते हैं, ये हो गया दो, अब यहाँ पर दो मिल गया, जी मिल गया, एक मिल गया, ये देखो दो मिल गया, एक मिल गया ना, अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर क्या लगाते हैं गुणे का चिन्ह, फिर चलिए दूसरे दो की बात करते, ये देखिए यहाँ पर दो, ये देखिए यहाँ भी दो भैया, अरे वाह देखिए भाई यहाँ पर भी मिल गया, बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर भी दो एक बार लिख लिया, फिर दो गुणे का चिन्ह लगाया, फिर क्या करेंगे, दो देखिए दो इसमें, दो इसमें बट दो इसमें नहीं है, तो भैया काम खत्म। फिर बात करें तीन की, तीन इसमें, तीन इसमें है, बिल्कुल नहीं, इसमें है, लेकिन देखिए अब इसमें तो केवल दो ही दो नजर आ रहे हैं आपको, देखना दो ही दो नजर आ रहे हैं ना, तो दो ही दो नजर आ रहे हैं, तो दो बचे मिलेगा, बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अब आगे खोजने की जरूरत ही नहीं बाटे, आगे खोजने की जरूरत ही नहीं है, तब क्या करेंगे इसी को गुणा करा लेंगे, दो दुनी कितना हो जाएगा, दो दुनी हो जाएगा 4, यही हो जाएगा मेरा आंसर, दो दुनी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अपना आंसर क्लियर करते हैं, क्या जी मेरा आंसर सही है, जी बिल्कुल 5 नंबर, देखिए मेरा आंसर सही है कि नहीं है, करेक्ट, मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। देखिए समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए भैया आपको, इतने मजे से पढ़ाता हूँ तो समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल, अगर नहीं आता तो कमेंट बताना, जी सर अभी समझ में नहीं आना, तो और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शक्तिमान बन के उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, समझे ना, हाँ शक्तिमान बन के क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1624, ये सब समझ में आ रहा, बिल्कुल भाई क्यों नहीं समझ में आएगा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर, आप रोज लगातार वीडियो अटेंड कर रहे हैं, तो आपको तो समझ में आएगा ही आएगा ना, और हाँ जितने बच्चे नए हैं ना वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे साथियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सकें, वो भी कुछ पढ़ने योग्य बन सकें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है 1624, 522 और 1276 का मासा बताओ, 1276 का मासा बताओ, हमको मासा बताना है, ठीक, हमको मासा बताना है। अब देखिए अब इसको हम गुणनखंड विधि से लगाएं या भाग विधि से लगाएं, आंसर तो मेरा उतना ही आने का, तो चलिए मैंने इससे पहले गुणनखंड विधि से बताया मासा निकाल के, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा भाग विधि से सॉल्व करें, ताकि आप भूलो ना, आपके माइंड से निकलना नहीं चाहिए कोई भी विधि, कोई एक पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिखूंगा भाग विधि से। देखिए सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व जब करूंगा तो इन संख्याओं को नीचे लिखते हैं, 1624, फिर बन गया 522, उसके बाद बचा 1276,
भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या ढूंढते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 1624 है, 522 है, तो 1276। अरे अरे रुको, क्यों सर जी आपने तो बड़ी वाली संख्या पीछे छोड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी संख्या कौन सी है, 1624। तो मैं सबसे पहले लिख लूँगा अपनी बड़ी से बड़ी वाली संख्या। अब भाग किससे करना है, बड़ी वाली से छोटी वाली से भाग करो, जो एक जो बच्चे उसको पड़ी रहने दो, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा 1624 से छोटी जो है वो 1276 है, तो मैं 1276 से क्या करूँगा, भाग। ये तो आप लोगों ने कल सीख लिया था, अब कितनी बार जाएगा, जी एक बार जाएगा। 1276 एक कम हो गया 1276। अब इसको हम लोग लेस कर लेंगे, चार में से छः जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसने क्या किया, अपने सहपाठी से उधार ले लिया, हो गया 14, 14 में से छः जाएगा, बच गया 8, यहाँ बच गया 1, 1 से 7 जाएगा नहीं, 11, 11 से 7 जाएगा, 11 से 7 जाएगा 4, यहाँ बच गया 5, 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, कितना बच गया 348। अब इसके बगल लगाते हैं भाग वाला चिन्ह और 1276 को ले आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखेंगे 348 के टेबल में कितनी बार करेंगे तो 1276 आएगा, कितनी बार करेंगे तो 1276 आएगा। चलिए 3 3 9, 3 बार करके देखते हैं हम लोग इसका, 3 बार देखे करके क्या 3 बार ज़्यादा होता कि कम होता। 8 3 24 का 4 हासिल आया 2, 3 3 3 4 12, 12 13 14 के 4 हासिल आया 1, 3 3 9 9 1 10, 1000 कितना आ गया 44। तो 3 बार जाएगा, क्योंकि अगर 4 बार जोड़ देंगे तो हमारा 1276 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार लिखेंगे, 348 3 हो जाएगा 10 44, समझ में आ रहा है ना। अब इसको घटाएंगे, 6 से 4 गया 2, 7 से 4 गया 3, 2 से 2 गया 10, से 2 नहीं जाएगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब 232 का भाग किससे करेंगे, 348 से। चलिए 232 का भाग करते हैं 348 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। आप अपने के भाग करने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे सोचिए अगर 200 लो, 232 छोड़ तो 200 लो, तो 200 200, तो 400 हो गया भैया, 400 तो यहाँ पर 348 से जाता है, ठीक। तो एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 232। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से तो जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 16 बच गया, और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 116। अब 116 को हम लोग क्या करेंगे, 232 से अपने भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 116 दुगना कितना होता है 232। ये मेरा जी कट गया, ये मेरा कट गया ना, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आया, दो अंकों में मेरा आंसर आया 116, दो अंकों में मेरा आंसर आया 116। लेकिन अभी तीसरी संख्या हमारे पास है कौन सी, 522। तो हम क्या करेंगे, 522 को अपनी यहाँ जो आंसर आया उससे क्या कर देंगे, भाग। चलिए तो नीचे लिख रहे हैं, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगा एक में ही। यहाँ पर कितना आंसर आया 116, 116 से कर देंगे भाग। 116 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 522 से ज़्यादा ना होनी चाहिए, 4 बार जाएगा समथिंग में, 4 बार देखते हैं जाता कि नहीं। 4 6 24 के 4 हासिल आया, तो 4 1 4 तो 6, और 4 1 4 4 से कितना आ गया 64। अगर 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 4 जाएगा नहीं जाएगा, 12, 12 से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ हो गया हमारा कितना, यहाँ कितना हो गया 1, 1 से 6 जाएगा नहीं 11 हो गया, 11 से 6 जाएगा 5, यहाँ 4 से 4 गया कुछ नहीं। अब इस 58 का हम लोग 116 से करेंगे भाग, तो 58 दुन्ना कितना होता है, 5 2 10 8 2 16, 58 दुन्ना हो गया मेरा 116। आंसर बताओ कितना आया, आंसर बताओ कितना आया, जो आपका आंसर आया वो हो गया 58। क्यों हो गया, क्योंकि आंसर वही होता है, आंसर वही हमेशा होता है जहां पर शेषफल जीरो आ जाता है, शेषफल जीरो आ गया, आंसर कितना गया 58 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया समझ में आया, समझ में आया ना, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है, हर चीज बताएंगे, हर चीज आपको बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए बस, ठीक। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, नोट हो गया ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है,
सात नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, लिखा है बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और 30 मीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर लगाई जा सके। क्लियर। चलिए पहले मैंने बताया था मेरा फोकस कहाँ गया, बड़ी से बड़ी गया। तो जब बड़ी से बड़ी जाता है तब क्या ज्ञात करते हैं, जब बड़ी से बड़ी जाता है तो हम लोग मासा ज्ञात करते हैं, जैसा कि परिभाषा से ही मैंने आपको पढ़ा रखा। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर हम एक लिखेंगे मीटर, मैं लिखूँगा मीटर और सेंटीमीटर। मीटर कितना है, पहले वाले मीटर बताओ 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 64 और 7। एक तरफ और लिखूँगा मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। यहाँ मीटर कितने हैं 30, भाई 30 ही तो है ये देखो, और सेंटीमीटर कितना है 21। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं भैया। देखिए अब यहाँ से आपका ना मासा निकाल सकते हो ना लासा, ऐसे कुछ नहीं निकाल सकते हो। तब कैसे निकालोगे, देखिए होता कुछ एक फॉर्मेट है, चाहे संख्याएं मीटर में दी हूँ, एक में दी होती, चाहे सेंटीमीटर में दी होती तब तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने मेरे को परखा है, आपको परख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में दे दिया गया। तब क्या करेंगे, अब तब एक काम करना, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो और चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तभी आप लगा सकते हो। तो मैंने कहा एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने कहा जी जी जी, अरे अरे 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो मैं क्या, अगर 64 का 100 से गुणा करूं तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, जी बिल्कुल बदल जाएगा। मैं यहाँ 100 से गुणा करूंगा तो मेरा हो जाएगा 6400, और 7 सेंटीमीटर ये, तो 6400 प्लस 7 मेरा कितना हो गया 6407, क्या आ गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक उसी प्रकार मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितने से गुणा 100 से गुणा। अब 30 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक 3 1 2 3 3 0 लगा लिया, और 21 ये तो 21 ऐड कर लेंगे तो मेरा 3000 कितना आ गया, 3000 आ गया 21 क्या सेंटीमीटर। बताओ कोई प्रॉब्लम। अब जो हम अपना मासा लासा जो भी निकालना है क्वेश्चन में, वो हम अपनी इन संख्याओं से निकालेंगे, एक ये संख्या और एक ये संख्या, जो आएगा वही मेरी आंसर। तो देखिए पहली संख्या मेरी क्या है दोस्तों, पहली मेरी संख्या है 6004। चलिए थोड़ा हम लोग इसको ऊपर साफ करके लगाते हैं, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया तो चलिए ठीक, हम लोग इधर इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इधर लगाएंगे। देखिए पहली जो मेरी संख्या है ये कितनी आई है 6407, आपको दिख रहा है ना 6407। दूसरी कितनी आई है 3021, दूसरी मेरी आई है 3021। अब बड़ी से बड़ी बताना है यानी कि मासा बताना, तो मासा हम निकालेंगे अपनी भाग विधि से, क्योंकि यार दो संख्याएं हैं, भाग विधि में थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक चलिए सॉल्व करते हैं, आप गुणनखंड भी लगा सकते हैं। अब ये मत समझना कि भाग से लगाएंगे तभी आंसर आएगा, आप गुणनखंड से लगाओगे तब भी उतना आंसर आएगा, भाग से लगाओगे तब भी उतना आंसर आएगा, क्लियर ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाग विधि लगाएंगे, तो भाग विधि लगाने के लिए देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मेरे देखा बड़ी संख्या मेरी 6407 है, तो मैं लिख लूँगा 6407। छोटी क्या है 3021 है, तो 3021 अब कितनी बार जाएगा, 3 × 6 दो बार चला जाएगा, दो बार जाएगा तो कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 0 = 0, 2 × 3 = 6। अच्छा कुछ नए बच्चे अगर इस टाइम में जुड़े होंगे तो पता उनको क्या लग रहा होगा कि सर तो यार ऐसे ही बता ही रहे हैं, केवल खुद ही लगा ही रहे हैं, लेकिन नहीं वो नहीं जानते कि कल और आज शुरुआत में मैंने यही सब सीखा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही काट दिया। काटा ना, बोलो काटा कि नहीं काटा, चलिए ठीक काटा, कहने का मतलब कांटा लगा, हाय लगा। तो कितना हो गया 321 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6042 आ गया, इसको लेस कर लेंगे 7 से तो जाएगा कितना बच जाएगा 5, यहाँ पर 0 से 4 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 से 4 जाएगा मेरा बच जाएगा 6, यहाँ बच गया 3 तो 3, और 6 से 6 गया कुछ नहीं। अब 365 का अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल लगाते हैं भाग का चिन्ह लगाते हैं ना, और हम क्या करेंगे इस संख्या को उठा के यहाँ पर लिख लेंगे 3021, इस संख्या को उठा के यहाँ पर लिख लिया, जो शेष बचा उससे इस संख्या को क्या कर देंगे भाग। चलिए यहाँ पर थोड़ा साफ करते हैं, नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा।
अब क्या करेंगे, 365 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 30-21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें तो याद आती नहीं 3365 की टेबल, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। चलिए 8 बार करा के पहले देखते हैं। देखिए ये आपको खुद समझना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपको खुद गुणा करके समझना है, गुणा करके देखना कि कितनी बार जाएगा। 365 का अगर 8 से करेंगे तो 8 पंच 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 छंग 48, 48 4 52 का तो हासिल आया 5, 8 त्रिक 24, 24 और 5 कितना होता है, 24 5 कितना होता है, 24 5 29, 29 को कितना आया 50। चलिए 9 बार करके देखते क्या हो सकता है, 9 बार चला जाए, 9 पच्चे 45 का 5 हासिल कितना आ गया 4, 9 छः 54, 54 5 कितना, 54 4 कितना हो गया 58 हासिल आ गया 5, 9 त्रिक 27, 27 5 सात पंद्रह 32, तो हो गया 32 85, जो कि मेरा ज़्यादा है तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा 29 50, यहाँ 8 लिखा और यहाँ लिख लिया 29 50। अब इसको लेस कर लेंगे, अगर यहाँ से एक से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, अरे एक का ही तो बचेगा, एक है कोई जीरो दे दोगे किसी को तो एक का ही तो बचेगा भैया, दो से पाँच जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ से यहाँ भी कुछ नहीं, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 12, 12 से 5 जाएगा कितना बच जाएगा, 12 से 5 जाएगा बताओ कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, फिर यहाँ से 9 बचा, 9 से 9 गया 0 और 2 से 2 गया 0, अब 71 बच गया ना, यहाँ पर 71 बच गया, अब यहाँ पर भाग का चिन्ह और 365 को कहाँ ले आएंगे यहाँ पर, अब कितनी बार जाएगा 27 25 35, 1 5 6 5, 5 बार जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करा के देख लेना, 5 1 5 5 7 35 कितना हो गया, 5 1 5 और 5 7 35, देखिए करा के देख भी लगते नहीं, हो सकता है गलत भी हो जाए, अगर 71 का हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 5 7 35 कितना आ गया 355, अब 355 घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो मेरा बच जाए 5 से 5 गया 0, 6 से 5 गया 1 और यहाँ पर 3 से 3 गया 0, कितना बच गया 10, अब 10 को क्या करेंगे हम लोग, 10 को क्या करेंगे 71 से कर देंगे भाग, 71 को कर देंगे भाग, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, कितना हासिल बचा 1, 1 बचा कि नहीं बचा, अब 1 बचा तो अब क्या करेंगे, इस 1 से इस 10 को कर देंगे भाग, तो 10 कम 10 आंसर कितना आएगा 1 आएगा, मेरा आंसर आएगा 1, जो आपका आंसर है वो कितना आया 1, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आ गया 1, कितना 1 सेंटीमीटर की अगर हम लोग लगाएंगे तो बिना तोड़े हुए हम लोग उसको लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये थे आज के हमारे लासा मासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करना कि उसका कमेंट में आप लोग उस क्वेश्चन को लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है ना। देखिए समझ में आया तो आप लाइक करना, अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी लाइक मत करना, और हाँ जिसको समझ में आया और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लाइक करेंगे और हमारे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे ताकि इस प्रकार की जो वीडियो पड़ती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और बताना ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में, अगर अच्छी लगी है ना तो बताना जरूर, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।